लेकिन जो सरकार का जो रवैया है उसको देखकर तो लगता है कि सरकार अपनी बात से पीछे नहीं हटेगी। कब तक हटेगी देखेंगे हम, कब तक हटेगी। अगर ये 6 महीने भी चलेगा, 9 महीने भी चलेगा, हम लगातार लड़ते रहेंगे। आप अपने घर परिवार से दूर रहेंगे, जो शादी ब्याह आदि अवसर है उनसे भी उतना समय नहीं दे पा रहे हो जितना देना चाहिए, तो उसकी वजह से भी आपको नुकसान भी तो है। नुकसान क्या, हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार में आदमी हैं और दूसरे भाई भी सहयोग कर रहे हैं। हम आपस में एक दूसरे को काम बांट के और अपने काम में बराबर करते रहे, कोई हमें आपत्ति नहीं है। अगर मान लो मैं जितना बड़ा हूँ और यहाँ हूँ, घर का मौजूद आदमी हूँ और मैं इस आंदोलन में हूँ, तो मेरे काम को, जो भी मेरी शादी को ब्याह का काम है, वो मेरे भाई हैं, मेरे चाचा ताऊ हैं, वो भी कर रहे हैं और वो आ भी रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। हाँ जी, रहा। विधानसभा क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाता चुनाव में बुढ़ेरपाल। हाँ, क्या मानकर चलते हैं कि आखिरकार मोदी जी क्यों नहीं मान रहे हैं? मोदी जी ने चल मान रहे, मोदी जी की नार फंस रही है। वो पहले वहाँ कारपोरेट के जो अडवानी और अंबानी हैं उनसे वो अपना वो पहले वो कर आए हैं, वो क्या हैं, एग्रीमेंट कर दिया। अब उन्हें ये दिख रही है, अगर यहाँ से मैं इसे वापस लेता हूँ तो मेरे को, और न इधर से ना मानूँ तो किसानों की लड़ाई है। नहीं, वो ये बात नहीं कहते, पीएम मोदी ये बात कहते हैं कि मैं तो, हम तो, हमारी सरकार तो किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन चंद मुट्ठी भर किसान हैं महकावे में जो चल रहे हैं, वो आंदोलनजीवी हैं, जो परजीवी हैं, वो इस बात है गलत कहते हैं। एक मुट्ठी भर किसान है, मुट्ठी भर किसान नहीं है, वो वहाँ से आओ अपनी, उनके जो मीडिया हैं, जो उन्होंने खरीद रखे हैं, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। वो अपने आदमी जो बीजेपी की हैं उनसे वार्ता करवा देते हैं और आगे दिखा दें, वरना नहीं, किसान बहुत है उसके ऊपर। असल में क्या है, जो ये मुट्ठी भर किसान जो दिखाई देते हैं ना मोदी जी को, ये मुट्ठी भर से भी कम भी दिखाई देंगे कुछ और को। ये क्या है कि जो राजा होता है वो जनता से क्यों डरता है? क्योंकि उसको लोकतंत्र में वोटों की ज़रूरत होती है, और मोदी जी को जनता की वोटों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका ईवीएम है, क्या है वो ईवीएम उनका साथी है, उनका दोस्त है, तो ईवीएम के माध्यम से वो जीत जाते हैं। उनको पता है जनता की ठोकर मारो, किसानों के लिए डकैती डालो या उनके जो काले कानून लागू करो, वो कुछ नहीं होने वाला। उनको जनता से परवाह इसीलिए नहीं है क्योंकि ईवीएम उनके साथी है, वोटों की उनको ज़रूरत नहीं। राजा डरता है वोटों के लिए, वोट चाहिए। जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने पहले ये कहा था कि किसानों की मौत है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, यहाँ नहीं मरते तो अपने घर में मरते। आज उन्होंने एक नया बयान दिया है, हालांकि माफ़ी मांग ली उन्होंने, उन्होंने नया बयान दिया है कि मोदी जी का डंका ऐसे बजता रहेगा पीएम रहे तो। मोदी जी, हम पीएम ही ना छोड़ेंगे मोदी, अब रह ले, आगे चल के जो हमसे बहस बढ़ा के क्या कर ले वो। हमारे किसान जो है वो देश का अन्नदाता है, और बगैर किसान के कभी भी देश चलता नहीं है, कभी नहीं चलता देश। हमारे ही तो जवान जो सीमा में लड़ रहे हैं वो भी हमारे बेटे हैं। तो पीएम मोदी कब कह रहे हैं कि हम किसान के खिलाफ है, वो तो कह रहे हैं किसान तो अन्नदाता। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो आओ, हमारे नेता हैं जो हैं टिकैत जी, हमारे नेता हैं, उनसे बात करो। अगर हमारे टिकैत जी मान लेते हैं, उन्हें समझाओ, अगर आप है, अगर वो ये बात है कहें कि भाई किसान के हक में है, तो हमारे नेता जी ने समझाओ, हमारे नेताओं की बात मानो, उन्हें बताओ बैठा करके। मीडिया में तो आप राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं, मीडिया में तो राकेश टिकैत की संपत्ति का खुलासा हो रहा है कि कई 100 करोड़ के मालिक है। वो चाहे जो कहे, उसके हाथ में पावर है, वो टिकैत जी है, कुछ भी बता दे। जो ये टिकैत की संपत्ति को लेकर आप क्या कहेंगे, जो खुलासे हो रहे हैं? ये मोदी जो है, ये हमने तो पहुँचाया कुर्सी पर, हमने वोट नहीं जब पहुँचे हुआ, और यह हम ही उतारेंगे, हम ही उतारेंगे। एक किसान गरीब आदमी है, सड़क पर पड़े हैं, क्यों पड़े हैं, इनकी सुनाई क्यों नहीं करे? पहले भी जो चुनाव 2024 में जो चुनाव आएगा उसमें ये बात मिल निकल के आएगी, उस समय आप किसान और उसकी बात नहीं करेंगे, उस समय पार्टीबाजी की बात हो जाएगी, जातीयता की बात हो जाती है जब चुनाव आते हैं। जाति बात है, मोदी खुल कर रहो, हमें बाप बेटा में लठ बजवा रहो, बाप बेटा अलग अलग कर रहो है, क्योंकि हमारे तो बच्चे हैं जो पुलिस में फौज में, उन्हें हमसे लड़ा रहो है और हमें उनसे लड़ा रहो है, इतना बड़ो कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा।
जातिवाद तो है ही नहीं, जातिवाद तो हम रखते ही नहीं, हमारे यहाँ तो ब्राह्मण भी है, जाट भी है। नहीं, जब चुनाव आते हैं आपने अक्सर देखा होगा चुनाव जाति आधार पर बढ़ जाता है, राजनीतिक आधार पर बढ़ जाता है, कोई इनेलो का बन जाता है, कोई कांग्रेस का बन जाता है, उस समय किसानियत की बात नहीं होती। आपके नौ हूं देंगे ऐसे, आपके ऐसे नहीं हम देंगे, जो मोदी के हक में वो मैं बोलूँ तो वो वोट नहीं मिलेंगे, ये बात भी राजा करेंगे। ये जो बीजेपी के लोग हैं वो ये बात को भी फैला रहे हैं, जिस टिकैत को ये नेता मानते हैं, वो टिकैत तो दो बार जमानत जब्त कराई है उसने अपने चुनाव में, ये तो कोई बात नहीं, झूठ बोलते डोले नहीं, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। एक बार तो रालोद की टिकट, अजीत सिंह की टिकट पर चुनाव लड़ा था, एक बार निर्दलीय लड़ा था। तो ऐसे तो इंदिरा गांधी भी हार गई थी, या उसका क्या मतलब है? इंदिरा गांधी जो है देश की जो है कितने दिन प्रधानमंत्री रही, और वो भी एक टाइम पे जो बिल्कुल हार गई, आप खुद जब राजनारायण के मुकाबले पे हारी, नहीं हारी थी। तो प्रिया में क्या हुआ, अच्छे अच्छे नेता हार जो राजनारायण जो चरण सिंह के चौधरी चरण सिंह हनुमान थे, हाँ उनसे हारी थी, उनसे हारी थी, और वो जबकि जेल में था, वो के जबके जेल में था। देवीलाल जो हो उसने जातिवाद नहीं देखी, चूहरो है चाहे चमार है चाहे कोरी है चाहे कुम्हार है चाहे जाट है चाहे गुजर है, जो 60 साल का होगा उसी की पेंशन बोल दी। राजा तो ऐसे होंगे। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, तो वहाँ में झूठ लगी क्योंकि दुष्यंत में झूठ लगेंगे, वोट हमने वहाँ की गई सही बात है, अगर किसान तो अस्तीफा जब ही किसान यूनियन बनती जब नहीं बनती।